हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज की मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई कुछ डिफरेंट तरीके से, मतलब कि मैंने अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने एक शॉर्ट कॉमेडी वीडियो किया जो आज आ जाएगा। आज मतलब कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके पिछले दिन आ गया होगा। एंड अभी हम आए हैं बाहर बिकॉज हमें लेना है वाटर कलर्स। अब आपने देखा कि असाइनमेंट्स तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं एंड जो मम्मा ने मुझे चैलेंज दी थी स्टडी की वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको चैलेंज के बारे में कुछ नहीं पता है एंड जानना है तो आप पिछले दो ब्लॉग्स देख सकते हो, उसमें आपको सब पता चल जाएगा एंड मेरी वो चैलेंज कंप्लीट हुई है कि नहीं है, हुई है कि नहीं हुई है वो भी आपको उसमें ही पता चल जाएगा। एंड अभी वाटर कलर्स मेरे पास नहीं है बिकॉज मैं जो ड्राइंग करती हूँ पेंटिंग जो करती हूँ वो करती हूँ पोस्टर कलर्स से, इसलिए वाटर कलर का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो हमने लिया है वाटर कलर केक्स ली है, ब्रशेस लिए हैं, ये ली है वाटर कलर ट्यूब्स जिसमें आते हैं वाटर कलर मिक्सिंग पैलेट भी, तो वो भी साथ में आती है इसमें। सो ये चीज़ें हमने ली है फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन। सो प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए मैं जो सारे पेंटिंग्स करूँगी वो करूँगी मैं इन वाटर कलर्स से एंड वो आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगी। बहुत डिफरेंट टाइप के है ना, कुछ स्केचेस है, पेंसिल स्केचेस है, कुछ वाटर कलर, बहुत डिफरेंट है। मतलब फेस भी ड्रॉ करना है, वाटर कलर से फेस भी करना है, एनिमल भी करना है, थिंग्स एंड फ्रूट्स लाइक ऐसा भी करना है। हाँ, तो अभी देखते हैं कि अच्छे से मेरे से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इस तरह का फेस मैंने वाटर कलर से या पोस्टर कलर से भी नहीं किया है फेस, वो मैं ऑयल पेस्टल से या फिर ऐसे स्केचिंग करके वैसे करती थी। तो आ गया हमारा डेस्टिनेशन। सो यहीं पर एक नोटबुक की शॉप है तो वहाँ से मुझे नोटबुक चाहिए, तो बस हम लेके आते ही है जस्ट। हाँ, दो मिनट में आए, चलो। हाँ, सो अभी मैं लेके आ गई हूँ नोटबुक। मुझे ना ये वाली नोटबुक चाहिए थी, ये एक ऐसी नोटबुक चाहिए थी, तो ये हम लेके आ गए। सो अभी हम आ गए हैं घर एंड अब मैं बेड को डीक्लटर कर लेती हूँ। अभी पूरा रूम डीक्लटर हो गया है एंड अभी मैं जस्ट नीचे राउंड मार के आई तो मुझे पता चला कि लंच बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो वैसे अभी 12:15 हो रहे हैं, मेरे लंच को टाइम, लंच के टाइम को तो थोड़ी देर है, बट मैंने सोचा लंच बन गया है तो मैं लंच करके फिर अपना आज का टास्क करती हूँ। आज लंच में क्या है? आज लंच में है एक बहुत ही मज़ेदार मेन्यू, वो है ये पाव भाजी। हो गया है एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्टडी का, मेरा जो राइट हैंड है वो थोड़ा दर्द कर रहा है तो आज मैं कुछ लिखने वाला नहीं लेने वाली हूँ, मैं सिर्फ रीडिंग का कुछ चूज़ करूँगी बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश में से, और वो माँ गए। सो मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक आज जो बिजनेस स्टडीज लूँ, है ना माँ? तुम क्या सोच रहे हो? बस वही मैं स्टडी रिलेटेड ही कुछ पूछने आई थी, मतलब बताने आई थी। तो आज क्या करने वाली हो अभी? आज मैं अभी करने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज। पहले जैसे असाइनमेंट कैसे कंप्लीट कर लिए, हमारे पास ऑनलाइन अगर पोर्टल ओपन होता है तो ऑनलाइन भी सबमिट करने का हमारे पास ऑप्शन है, पीडीएफ हमारी रेडी है, तो अगर हार्ड कॉपी देने जाना पड़ा तो वो भी हमारी फाइल रेडी है, एग्जाम्स भी वाला वो भी हमने लाइक हो गया हमसे वो। अब बाकी रहता है कि ये प्रोजेक्ट वर्क है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, बाकी का कंप्लीट करना है ना अभी। अभी टोटल 11 से 12 है और उसमें से ही दो ही कंप्लीट हुए हैं। कल से ना तुम अगर पॉसिबल हो तो बैक टू बैक ऐसे ड्राइंग कंप्लीट कर लो, वो तुम्हारा सोचना सही था कि स्टडी करते करते मतलब वो कैसे जैसे एज ए हॉबी भी हो जाएगा, तो वो बनते बनते ना टाइम लग जाएगा अगर रोज ऐसा करने जाओगी तो, मतलब हाथ थक जाए तो रख देना लेकिन बैक टू बैक माइंड में रख के ना वो कर लो। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज ऐसा करो आज, मतलब अभी तो नहीं कर पाओगे ना, आज तो मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है। ओके, तो अभी या तो रीड करना है तो रीड करो वरना आज थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मतलब बहुत इंग्लिश कर लिया। वाओ, ब्रेक ऐसे ज़्यादा होता है लाइक इससे एफिशिएंसी बढ़ती है,
आधा दिन थोड़ा ब्रेक चला जाए तो एफिशिएंसी बढ़ती है। या फिर कर सकती हो कि ड्रेसिंग टेबल बोल रही थी ना उस दिन की, मतलब नींद तो नहीं आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ। तो ड्रेसिंग टेबल वाला बोल रही थी ना, थोड़ा वो कर लो। अरे हाँ, मैंने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं ड्रेसिंग टेबल से बोल रही हूँ, ये मेरी चैलेंज की वजह से रुक रहा था। मैं अभी फिर मैं भी मतलब हेल्प करने आती हूँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर में मम्मा भी मुझे हेल्प करने आएंगे। तो कल की तरह ना आज भी हम बाहर आए हैं, और बाहर हम आज इसलिए आए बिकॉज पोर्टल ओपन है बट सबमिट हो नहीं रहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो अभी वही रिलेटेड डाउट्स हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। एंड वहाँ पर वैसे भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, सो लेट्स गो। एंड मैं आपको बोलती हूँ डायरेक्टली घर पर जाकर डाउट सॉल्व हो जाएंगे, फिर हम डायरेक्टली घर पर ही जाने वाले हैं। अभी हम फाइनली आ गए हैं घर पर। वैसे घर पर आते आते ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज वहाँ पर स्टडी सेंटर चेंज करते करते बाकी के हमें कुछ उससे रिलेटेड डाउट्स थे, तो वो सब सॉल्व कराते कराते थोड़ा टाइम हो गया। लेकिन अभी हम आ गए हैं घर पर, तो मैं मम्मा ने जैसा कि कहा था वैसे ये ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दूंगी। ऑर्गेनाइज मतलब थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस करना है, तो वो करना स्टार्ट कर दूंगी। एंड मम्मा ने थोड़ा सा काम निपटा के आ जाएंगे, तो तब तक मैं ये स्टार्ट तो कर दूँ। सो लेट्स स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर ये ब्लैंकेट रख दिया है। सो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये जो सबसे नीचे वाला जो शेल्फ है ना, उसमें सारी भरतनाट्यम की एक्सेसरीज है, तो वो मतलब मैं सोच रही हूँ उसकी प्लेस यहाँ पर ना रखूँ। भरतनाट्यम की एक्सेसरीज क्या होता है, इस तरह से बार बार ऑर्गेनाइज करना या बार बार निकाल कर पहनना है, इस तरह से नहीं होता है वो। जब वैसे भी वो ऐसे डेलिकेट होती है, तो जब यूज़ में होती है तभी मैं उसको निकाल कर पहनती हूँ एंड फिर वैसे की वैसी अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारा कुछ रिजनेबल प्राइस में आता है, तो इतना ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है, एकदम डेलिकेट डेलिकेट होता है, तो उसको हमें संभाल कर रखना पड़ता है। और ये सब जो बाकी का सामान है ना, वो ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाला शेल्फ में ही था, तो इन शॉर्ट मैंने नीचे वाला शेल्फ खाली किया है। सो देखिए, मैं आपको सब कुछ एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है शर्मा फैमिली में जो मिस्टर शर्मा है उनकी विग है, तो आपको पता है ना कि हमने शर्मा फैमिली की कॉमेडी सीरीज थोड़े टाइम से स्टार्ट की है, तो बस उसी में जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स की अलग अलग विग है, कुछ कुछ लोगों की विग नहीं भी है। अभी तो वैसे भी शिफ्टिंग की वजह से शर्मा फैमिली का वीडियो नहीं हो पा रहा है, एंड अभी बैक टू बैक असाइनमेंट सबमिशन और ये जो सारा मतलब मैंने पेपर्स किए और उसमें ना टाइम ही नहीं मिल रहा है हमें। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट में ऐसा बताते रहते हैं कि अभी प्लीज़ और एपिसोड्स बनाओ, कविता पुनीता कहाँ है, तो वी विल मेक इट सून। ये जो है ना, इसको हम टाई कर देते हैं तो ये ऐसी की ऐसी रहती है, हिलती नहीं है, तो अब मैं फिर से इसको रख देती हूँ इसकी बैग में। और हर एक विग इस तरह से ना छोटी छोटी नेट बैग में आती है। नेक्स्ट भी एक विग है, वो विग है पुनीता की। अगर आप शर्मा फैमिली के आपने देखे होंगे वीडियोस तो आपको पता होगा, और नहीं देखे हैं ना आपको जानना है कि मतलब क्या सीरीज हमने की है स्टार्ट, तो वो एक अलग ही प्लेलिस्ट हमने बनाया है शर्मा फैमिली करके, तो वहाँ आप देख सकते हो। तो ये विग कुछ ऐसी है, एंड इसको भी जैसे मैंने वो वाली विग बताई थी वैसे ही पहनी होती है। देन ये है गूगल्स, ये बॉक्स वैसे मुझे बहुत पसंद है। सो वैसे अभी तो ये खाली है। अरे मेरी ब्लू कलर की ना टॉप्स में कब से ढूंढ रही थी, एंड आप मानोगे नहीं बट मैं आज ही उसे ढूंढ रही थी। मैंने ब्लू टी शर्ट पहना है तो फिर मुझे नहीं मिली, तो मैंने दूसरी टॉप पहन ली। वाह, तो फाइनली मुझे ये मिल गई बिकॉज शिफ्टिंग की वजह से ना, पहले तो इतना ऑर्गेनाइज रूम नहीं था, तो सब कुछ इधर उधर में मैंने कहाँ पे रख दिया मुझे याद नहीं था। सो इसको मैं बकेट में रख देती हूँ, और 15 दिन होते होते ना मेरी बकेट इस तरह से भर जाती है। देन इस वाले बॉक्स में ये हैंडकरचीफ्स है, मेकअप वगैरह जब करना होता है तो इसमें यूज आते हैं कभी कभी, रफ यूज के लिए रखे है। देन ये है कॉटन बॉल्स, इसमें शर्मा फैमिली के हम जो वीडियोस करते हैं उसमें दीप्ति शर्मा की ये विग है। सॉरी, उनकी विग नहीं है, उनकी ये चोटी है। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, लेकिन पहले इसमें क्या है वो दिखा देती हूँ। इसमें ये सब चीज़ें हैं, उनका कैलकुलेटर है, ये जो स्पेशल रबड़ है वो जो चोटी में नीचे डालती है वो है, दो इयररिंग्स है, ये नेकलेस है। अभी मैं आपको चोटी दिखा देती हूँ, तो ये है वो चोटी, अभी तो मैंने खोल के रखी है
बट फिर जब मम्मा मुझे कर देते हैं चोटी, तो पहले वो मेरे बालों में थोड़ी सी चोटी करते हैं और फिर इसको साथ में इस तरह से ले लेते हैं। और वैसे आपको तो पता ही होगा ना, अगर आप शर्मा फैमिलीज़ के वीडियोस देखते हो तो, कि उनकी एसेसरीज़ में ये कैलकुलेटर क्यों है। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये मुस्टेज, नेक्स्ट है ये सेफ्टी पिंस। सो इसमें है भरतनाट्यम की एसेसरीज़ हैं, इनको ना हमने इस तरह से जिप लॉक बैग में रखा हुआ है। ये तो है बंद करके फिर गजरा लगाते हैं वो है। ये है वो पूरी चोटी जो भरतनाट्यम में यूज़ आती है। माँ को ऐसा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा और उन्होंने कहा कि ये सब भी लगाना है तो बार बार फिर लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है चोटी बना के रखते हैं, जब लगाना होगा तब ये सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। एंड इसके लिए ना मम्मा ने एक आइडिया भी किया है कि बन करके फिर मम्मा मुझे ये वाला जो रबड़ है ना वो मेरे बन में इस तरह से लगा देते हैं। एंड यस, ये पतला वाला रबड़ हो तो दो रबड़ चाहिए, हाँ, बिकॉज एक रबड़ हो तो हमें अपना जो बन होता है उसमें वेट ज़्यादा लगता है। इसमें बहुत ही सारी एसेसरीज है, इसको भी हमने इस तरह से जिप लॉक बैग में रखा है और इसके अंदर भी जो जो बैग्स है वो सारे जिप लॉक ही है। एंड इसको ना हमें इस तरह से बहुत ही संभाल कर इस तरह से बैग में रखना पड़ता है कि उसको आजू बाजू की इस तरह से हवा ना लगे, स्पेशली मानसून में मानसून की हवा ना लगे, वरना ये ख़राब हो जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज है और बहुत सारी एसेसरीज हमें पहननी होती है। और आपको तो पता ही है कि इस तरह की जो सारी नकली एसेसरीज होती है उनका तो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो ये ना इस तरह से आता है और ये देन बालों में इस तरह से दो लगाएंगे, ये जो है वो बन हो जाए उसके ऊपर ऐसे, मतलब सपोज ये बना तो ऐसे लगाना होता है। जो उसके सेट में आई थी वो ये है, ये मरून टाइप जो उसका कलर है सारी एसेसरीज के एकदम ही मैच जा रहा है ना वो है। बट मुझे तब ये बहुत बड़ी पड़ रही थी तो इसीलिए हमने मतलब बहुत ढूंढा, फिर हमें ऐसी मैचिंग बैंगल्स मिली और ये वैसे फ्लेक्सिबल है तो कंफर्टेबल है। तो देखिए ये है इयररिंग्स एंड बाकी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज है, टीका है, रिंग है एंड ये ना ईयर में इस तरह से लगानी होती है। तो ये बड़ा वाला नेकलेस और ये छोटा वाला नेकलेस। एंड इसमें मेरे पास ऐसे दो घुंघरूज है, एक तो ये पैर है एंड एक ये पैर है। तो ये सारी जो मैंने आपको दिखाई वो सारी है भरतनाट्यम की एसेसरीज। मम्मा ने मुझे अभी डिनर करने के लिए बुलाया है तो मैं जा रही हूँ डिनर करने। आज डिनर में है सूजी के पास्ता। एंड अभी बज रहे हैं 8:10। सो अभी मैं आ गई हूँ डिनर करके और ये देखे ये सारा जो है ना वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। अभी मुझे उन सब को ऑर्गेनाइज करना है और बाकी की कुछ चीज़ें भी जो ड्रेसिंग टेबल में मुझे थोड़े से चेंजेस करने हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है वो है। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, शायद इसलिए बिकॉज पेपर और वो सब में मैं थक गई और आज भी हमें बाहर जाना पड़ा वो सारे डाउट्स वगैरह पूछने के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लगा। तो मतलब वो जब प्रोसेस चल रही थी तब लिटरली मुझे नींद आ रही थी। तो अभी मैंने ये सब आपको दिखा तो दिया और अभी ये बाहर ऐसा का ऐसा ही है। मम्मा ने कहा कि वो आज वो रख देंगे सारी चीज़ें अंदर और बाकी का जो है वो हम कल करेंगे ऑर्गेनाइज। तो कोई बात नहीं, अभी मैं सो जाऊंगी ऐसा मम्मा ने कहा, तो मैं अभी सो जा रही हूँ थोड़ी देर में ब्रश करके। तो कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। एंड साथ साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हो, रियाज अमेजिंग वर्ल्ड नेम है इंस्टाग्राम अकाउंट का। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।